बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पेल्विस। हमने देखना है इस वीडियो में कि पेल्विस की एनाटॉमी क्या है, राइट। तो हम उसको पूरा तो डिस्कस नहीं करेंगे ऑफ कोर्स इसी वीडियो में। हम देखेंगे कि पेल्विस की डिवीजंस क्या है, राइट। इसके अलावा हम देखेंगे कि उन डिवीजंस की बाउंड्रीज क्या है, क्या चीज़ उसको सेपरेट करी है, उस सेपरेटिंग चीज़ से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, और इसके साथ साथ हम पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट की भी बाउंड्रीज को देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पेल्विस। नाउ व्हाट इज पेल्विस? It is the region which connects abdomen to the lower limb and helps in the transmission of weight between axial skeleton and the lower limb. ठीक है, तो जो हमारा axial skeleton है और lower limb है, उसके दरमियान में ये region है जो कि वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करे। ठीक है, वेट ट्रांसमिशन का बेसिक पर्पस जो सर्व हो रहा है वो किन के थ्रू हो रहा होता है? दो लिगामेंट्स के थ्रू हो रहा होता है, जो कि सैक्रोस्पाइनस और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स हैं। सैक्रोस्पाइनस एंड द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स, ये सेम लिगामेंट्स हैं वो ग्रेटर शाइटिक नॉच और लेसर शाइटिक नॉच को वाले, ठीक है, तो जो उसको फोरामेन में कन्वर्ट करते हैं इन दोनों नॉचेस को। ठीक है, तो ये इसको हम मैकेनिज्म ऑफ पेल्विस भी कहते हैं, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन द पेल्विक वॉल। बहरहाल अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि वेट ट्रांसमिशन इसका एक पर्पज़ है, ठीक है, और ये मेनली सर्व हो रहा है दो लिगामेंट से। ठीक है, अब इसकी डिवीजंस क्या क्या हैं? दो डिवीजंस हैं, ग्रेटर और द फॉल्स पेल्विस। ग्रेटर से जाहिर हो रहा है कि ऊपर होगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लेसर और ट्रू पेल्विस है, विच आर सेपरेटेड बाय द पेल्विक ब्रिम, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज लीनियर टर्मिनलिस ऑन द प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट, या फिर सुपीरियर एपर्चर ऑफ पेल्विस भी कहते हैं। अब इसके काफ़ी सारे नाम आ गए ना हमारे पास, तो करना क्या है कि नाम सारे ही याद करने हैं, सारे याद करने पड़ेंगे एमसीक्यूज के लिए, कहीं नेम चेंज करके आ सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूंगी वो आपने ये याद रखना है कि वाइवा में आपने मोस्ट कॉमन यूज टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर ने दूसरी टर्मिनोलॉजी ना सुनी हुई हो, राइट। तो जैसे पेल्विक ब्रिम है, तो ये हमारे पास इसमें मोस्ट कॉमन यूज टर्मिनोलॉजी। ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं होगा जिसको पेल्विक ब्रिम का ना पता हो। हाँ, हो सकता है कि किसी ने लीनियर टर्मिनलिस ना भी पढ़ा उसका दूसरा नेम, बट पेल्विक ब्रिम हर किसी ने पढ़ा होगा, हर किताब में ये वर्ड यूज़ किया होगा। तो आपने वाइवा देते वक्त मोस्ट कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है, लेकिन आपको आनी सारी की सारी चाहिए, ठीक है। तो पेल्विक ब्रिम, लीनियर टर्मिनलिस एंड द प्लेन ऑफ पेल्विक इनवर्ट और द सुपीरियर एपर्चर ऑफ द पेल्विस इज सेपरेटिंग ग्रेटर और फॉल्स पेल्विस फ्रॉम द लेसर और द ट्रू पेल्विस, ठीक है। इसको हम पहले डायग्राम देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, ठीक है। ये जो हमें लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली, ये लाइन जिसको हमने लेबल भी किया है इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये जो पूरी इसका जो सर्कमफेरेंस है पूरा इलियोपेक्टिनियल लाइन का, ये बना रही होती है हमारे पास पेल्विक ब्रिम। क्या बना रही होती है? पेल्विक ब्रिम। इसके ऊपर जो जगह होगी वो क्या होगी? हमारे पास फॉल्स पेल्विस। और इसके जो नीचे जगह होगी, जिस यहाँ सैक्रम और कॉक्सिक्स है, और ये जो नीचे वाली जगह बेसन टाइप, ये क्या होगी? हमारे पास ट्रू पेल्विस होगी, ठीक है। तो हमारे पास फॉल्स पेल्विस है और ट्रू पेल्विस है, या फिर ग्रेटर पेल्विस एंड द लेसर पेल्विस, ठीक है। अब हम इसकी बाउंड्रीज को देखते हैं। बाउंड्रीज को हम यहाँ से भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर हम ग्रेटर पेल्विस या ऊपर वाले पेल्विस की बात करें, तो उसकी बाउंड्रीज में क्या क्या आ रहा है? पोस्टीरियरली हमारे पास आएगा L4 एंड L5 वर्टेब्रा, राइट। पोस्टीरियरली क्या होता है? L4 और L5 वर्टेब्रा। एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि एज इट इज़ हमारी बॉडी में नहीं पड़ा हुआ होता पेल्विस, बल्कि थोड़ा सा बेंट फॉरवर्ड्स होता है, राइट। कि जो प्यूबिक सिम्फिसिस वाला हिस्सा होगा ना, ये फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स होगा, और ये जो हमारे पास वर्टेब्रे है ना, ये अपवर्ड्स होंगी। वर्टेब्रे क्या होंगी? अपवर्ड्स होंगी, और ये फॉरवर्ड्स और डाउनवर्ड्स होगा इंटीरियर वाला हिस्सा। इसके अलावा क्या होता है कि हमें नज़र ही आ रहा है कि जो इसकी इंटीरियर वॉल ऑफ पेल्विस है, ये शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू द पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास ऊपर वाला पेल्विस है, या ग्रेटर पेल्विस है, या फॉल्स पेल्विस भी जिसको हम कह रहे हैं, उसमें जो इंटीरियर पोर्शन है वो प्यूबिक सिम्फिसिस से नहीं बनेगा, बल्कि लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से बनेगा। किससे बनेगा? लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से बनेगा। तो उसकी इंटीरियर बाउंड्री क्या आ गई? लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और हमें साइड पे नजर आ ही रहा है कि इलियक बोन्स है, और यहाँ पे हमें पता है इलियक फोसा है ये बेसिकली, तो इस पर क्या होंगे? इलियकस मसल होंगे। और पोस्टीरियरली मैंने आपको बताया कि L4 L5 वर्टेब्रा है, सो L4 L5 वर्टेब्रा एंड लैटरली क्या होगा ऑन ईच साइड? इलियक फोसा एंड इलियकस। और हमारे पास इंटीरियरली क्या है? लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पेल्विक ब्रिम पे, ये वाला जो पेल्विक ब्रिम है, ठीक है। पेल्विक ब्रिम किस तरह से हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास ये S1 वर्टेब्रा है जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। S1 वर्टेब्रा का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो बल्ज आउट हुआ हुआ होता है। क्या होता है? बल्ज आउट हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, कैविटी के अंदर आया हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सैक्रल प्रोमोंट्री। उसको हमने क्या स्पेसिफिक नाम दिया हुआ? प्रोमोंट्री ऑफ सैक्रम और द सैक्रल प्रोमोंट्री। उसके बाद हमारे पास ये विंग्ड प्रोसेसेस हैं सैक्रम के, जिसको हम क्या कहते हैं?
एला ऑफ द सैक्रम, एला और द विंग्स ऑफ द सैक्रम वो आएंगे, उसके बाद सैक्रोइलियक जॉइंट आएगा, ये पेल्विक रिम की बाउंड्रीज मैं बता रही हूँ। उसके बाद हमें पता है, हमने हिप बोन अच्छे से पढ़ी हुई है, यहाँ पे हमारे पास इलियोपेक्टिनियल लाइन आएगी, क्या आएगी, इलियोपेक्टिनियल या फिर आर्कुएट लाइन आएगी, ठीक है। और उसके बाद हम इधर एंटीरियरली आते जाएंगे तो हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल आएगा, पेक्टिन प्यूबिस आएगा, प्यूबिक क्रेस्ट आएगी, और उसके बाद एंटीरियरली क्या है, प्यूबिक सिम्फेसिस, क्या है, प्यूबिक सिम्फेसिस। तो ये हमारे पास पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट की भी बाउंड्रीज हो गई। और एक और बात जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी है कि ये सीधा सीधा नहीं पड़ा हुआ होता बल्कि एंगल पर पड़ा हुआ होता है। तो जो हमारे पास सुपीरियर एपर्चर ऑफ पेल्विस है या पेल्विक इनलेट है या जो भी बाकी नाम भी मैंने आपको इनके बताए हैं, बात तो एक ही है, वो एक एंगल पर पड़ा हुआ होता है जो कि तकरीबन 50-60 degrees का एंगल होता है विद द हॉरिजॉन्टल। कितना एंगल होता है, 50-60 degrees एंगल होता है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा यहाँ तक बता दिया है, पेल्विक ब्रिम का भी बता दिया है। हाँ जी, ये फंक्शंस रह गए। फंक्शंस क्या हैं ग्रेटर या फॉल्स पेल्विस के, जो ऊपर वाला पेल्विस है हमारे पास ग्रेटर और फॉल्स पेल्विस, उसके क्या फंक्शंस है, सपोर्ट करेगा एब्डोमिनल कंटेंट्स को, सपोर्ट करेगा ग्रेविड यूट्रस को आफ्टर द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि यूट्रस इनलार्ज हो जाएगी तो वो ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएगी, ठीक है, फॉल्स पेल्विस तक आ जाएगी, और वो ऑफकोर्स बेबी की ग्रोथ के साथ जो है यूट्रस भी ग्रो करी होगी और इसको सपोर्ट हासिल होगी। हेल्प्स गाइड फीटस इनटू द ट्रू पेल्विस ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है। ये हमारे पास किस तरह से गाइडलाइन होती है, पेल्विक एक्सिस के थ्रू होती है, किसके थ्रू होती है, पेल्विक एक्सिस के थ्रू, जो कि मिड पॉइंट है बिटवीन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विक कैविटी, जिसको हम डिटेल से पेल्विक कैविटी में ही देखेंगे, बट यहाँ पर बात आई है तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स क्रॉसिंग द पेल्विक ब्रिम, ये भी आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी डायग्राम डाली, कोई भी बुक में मुझे इसकी अच्छी डायग्राम नहीं मिल रही थी, जो स्नेल में भी डायग्राम है वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो मैंने ये वाले स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, थोड़ी सी इसकी डायग्राम भी बना दी है, दूसरी डाल दी है, तो मे भी आसानी हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने जो पेल्विक ब्रिम देखा था उससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं। ये हमने देखा कि हमारे पास कॉमन इलियक आर्टरी की बायफर्केशन हो रही है, और जो इंटरनल इलियक है ये हमें पेल्विक ब्रिम भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये वाला पेल्विक ब्रिम भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये प्यूबिक सिम्फेसिस है ना, तो इसकी जो लाइन जा रही है ये पेल्विक ब्रिम है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जा रही है, इंटरनल इलियक आर्टरी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे हमें पता है कि ओवरीज पड़ी हुई हैं या गोनेड्स पड़े हुए हैं, टेस्टिस पड़ी हुई हैं, उनकी आर्टरीज भी होंगी, तो गोनेडल आर्टरीज होंगी या ओवेरियन और टेस्टिकुलर आर्टरीज होंगी। इसके अलावा क्या होता है कि हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि ये यूरेटर इसको क्रॉस करे, तो यूरेटर क्रॉस कर रहा होगा, यूरिनरी ब्लैडर जब फुल होगा तो भी ये भी इसको क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद सिग्मोइड कॉलन होगी, हमारे पास एस शेप्ड कॉलन जो हमने पढ़ी थी वो होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लंबोसैक्रल ट्रंक सिंपथेटिक चेन भी यहाँ पे होगी, क्या होगी, लंबोसैक्रल ट्रंक सिंपथेटिक चेन। इसके अलावा एक्सटर्नल आइलेक और इलियो लंबर आर्टरी, एक्सटर्नल आइलेक और इलियो लंबर आर्टरी भी इसको क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। तो ये इसके मेन मेन स्ट्रक्चर्स थे, कौन कौन से हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यूरेटर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये आर्टरीज वगैरह नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको क्रॉस कर रहे होते हैं, हमारे पास वैस डिफेंस भी इसको क्रॉस कर रहा होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड का जो हमने कॉन्टेंट पढ़ा था वो मेल्स में वैस डिफेंस होगा, राउंड लिगामेंट इन फीमेल्स होगा, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है कि जो ब्लैडर है इसके साथ लिगामेंट्स कनेक्ट हुए हुए होते हैं, कौन से लिगामेंट्स होते हैं, वो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट एंड द लैटरल अम्बिलिकल लिगामेंट, वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। हमें पता है ना यहाँ पे मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होता है और वो ऊपर तक जा रहा होता है, तो यहाँ से हमारे पास मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट भी इसको क्रॉस कर रहा होगा, लैटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स भी इसको क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्रेग्नेंट यूट्रस भी यहाँ पे होगी, और एक जो इंपॉर्टेंट नर्व है वो कौन सी है, ऑब्चुरेटर नर्व, कौन सी नर्व होगी यहाँ पे, ऑब्चुरेटर नर्व। और इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिंपथेटिक ट्रंक और लंबोसैक्रल ट्रंक होगी, सिंपथेटिक ट्रंक और लंबोसैक्रल ट्रंक होगी। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये वाली स्लाइड्स चाहिए हो तो आपने इंस्टा पेज विजिट करना है, medi_sapiens, वहाँ पे आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेटर या फिर ट्रू पेल्विस पे, इसकी बाउंड्रीज क्या है, मैंने बताया शैलो इंटीरियर वॉल है और उसमें क्या आ रही है, प्यूबिक बोन्स आ रहे हैं, प्यूबिक रिमाए आ रहे हैं, और पोस्टीरियर डीप वॉल है, पोस्टीरियर डीप वॉल है जिसमें हमारे पास सैक्रम आ रही है, ठीक है। सैक्रम के थोड़े बहुत फीचर्स दिए हुए हैं, ये मैंने स्नेल से लिए हैं, ठीक है। ये जो मैंने स्लाइड बनाई हुई है स्नेल और बीडी दोनों से हैं, ठीक है। तो स्नेल में इसके थोड़े बहुत फीचर्स दिए हुए हैं वो मैंने डाल दिए हैं ताकि आगे ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ हों तो आपको मुश्किल ना हो। एस फॉर एंड समटाइम्स एस फाइव डॉन्ट फ्यूज इन द सेंटर टू फॉर्म द सैक्रल हायटिस, ये टर्मिनोलॉजी भी आगे यूज होगी। सैक्रल प्रोमोंट्री का मैंने बता दिया, वर्टेब्रल फोरामिनाज जैसे हर जगह पे होती हैं वहाँ सैक्रम में भी होती हैं हमारे पास वर्टेब्रल फोरामिनाज, और इनका कंटेंट क्या है ये मैंने
मुझे ज़रा डिफरेंट बात लगी तो मैंने डाल दी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स ऑफ लंबर, सैक्रल एंड कोक्सीजियल स्पाइनल नर्व्स, फाइलम टर्मिनले एंड फिब्रो फैटी लेयर। ठीक है, क्या क्या है? फाइलम टर्मिनले एंड फिब्रो फैटी लेयर, ये हमारे पास सैक्रम है। ठीक है, ये जो है S4 वाला सैक्रम है और ये फ्यूज़ नहीं हुआ बीच में, तो ये सैक्रल हायरेटस हो गया, ये पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिनाइज हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये एंटीरियरली बल्ज आउट हुआ है S1, इसको हम प्रोमोन्ट्री ऑफ सैक्रम कहते हैं। ये एंटीरियर सैक्रल फोरामिनाइज है, ये पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिनाइज है। ठीक है, तो यही इसके कुछ फीचर्स थे वो हमने देख लिए हैं। ऑन ईच साइड देयर आर 4 फोरामिनाइज जो कि मैंने आपको बताया, कॉक्सस। ठीक है, फॉर द एंटीरियर रूट्स ऑफ अपर 4 सैक्रल नर्व्स, किस लिए हैं फोरामिनाइज? फॉर द एंटीरियर रूट्स ऑफ अपर 4 सैक्रल नर्व्स। ये बहुत कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बहरहाल देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी आगे समझने में। कॉक्सिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज वर्टेब्रा टू फॉर्म अ ट्राइंगुलर बोन। नीचे वाली जो है ये वाली जो ट्राइंगुलर बोन है ये क्या है? कॉक्सिक्स है, और इसमें ज़्यादातर जो है सिर्फ बॉडीज होती हैं और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, और वो इतने ज़्यादा वेल डिवेलप नहीं होते कॉक्सिक्स में एक्सेप्ट फॉर द C1। ठीक है, हम ये पोस्टीरियर बाउंड्रीज देख रहे थे ना, पोस्टीरियर बाउंड्रीज में अब तक क्या क्या आ चुका है? सैक्रम आ चुका है, कॉक्सिक्स आ चुकी है, और हमें पता है कि जो सैक्रम है उसके साथ हमारे पास एक मसल भी अटैच्ड हुआ हुआ होता है, प्री फॉर्मस, विच इज़ द लैटरल रोटेटर ऑफ फीमर। ठीक है, तो ये भी हमारी पोस्टीरियर वॉल में ही आ जाएगा, ऑफ द लेसर और द ट्रू पेल्विस। और ईच साइड्स पे क्या होगा? ईच साइड्स पे हमारे पास फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ हिप बोन बिलो द पेल्विक इनलेट। ठीक है, ये हमारे पास बड़ी अच्छी डायग्राम है ये समझने के लिए। हमें पता है कि जो इलियोपेक्टिनियल लाइन है ना, उसके नीचे वाली जगह से हमारे पास फॉल्स पेल्विस है, क्योंकि ये तो पेल्विक ब्रिम का हिस्सा है, तो इसके नीचे वाली जगह हमारे पास फॉल्स पेल्विस होगी। तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास? रेमाई ऑफ प्यूबिक बोन्स हैं, ये सुपीरियर और इंफीरियर दोनों रेमाई ऑफ प्यूबिक बोन्स हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेन थी, ठीक है, जिस पे हमारे पास अगर ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन लगी हुई होगी तो हम उसको क्या कह देंगे? ऑब्चुरेटर फोरामेन होगी, और ये इस पर ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन होती है। हाँ, इसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी होती है, जहाँ से ऑब्चुरेटर नर्व ने पास करना होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्चुरेटर केनाल, ये मेंशन भी हुआ है, ऑब्चुरेटर केनाल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसी तरह से जो है वही पार्ट है पिलो, इसको हमने सारे को यही कहा कि पार्ट ऑफ ईलियम, पहले हमारे पास प्यूबिस के हमने पार्ट्स कर दिए हैं, और उसके बाद ऑब्चुरेटर फोरामेन है, और उसके बाद पार्ट ऑफ हिप बोन बिलो द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ पे सैक्रो ट्यूबरस और सैक्रो लिगामेंट्स, सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट्स की अटैचमेंट है, और ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल भी होगा, एंड इट्स कवरिंग फेशिया, और इसकी कवरिंग फेशिया ने एक थिकेंड लाइन भी बनाई हुई होती है। ठीक है, जिसको हम आर्कुएट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या बाउंड्रीज हैं अब लेसर पेल्विस की? पोस्टीरियरली हमारे पास क्या क्या था? सैक्रम है, कॉक्सिक्स है, और प्रीफॉर्मस है। ठीक है, उसके बाद ऑन ईच साइड्स हमारे पास हिप बोन का वो वाला पार्ट है जो पेल्विक ब्रिम के नीचे है ऑफ कोर्स, और उसमें हमारे पास सैक्रो ट्यूबरस, सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट्स भी आ रहे हैं, और ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल भी आ रहा है। ठीक है, और इन्फीरियरली हमारे पास पेल्विक डायफ्राम होता है, जो कि इनमें से किसी भी पिक्चर्स में शो नहीं किया गया, नेक्स्ट में हम देखेंगे। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम होता है, फॉर्म द लिवेटर एंड आयर कॉक्सीजियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेल्विक डायफ्राम का, इसको हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं पेल्विक आउटलेट या फिर इन्फीरियर एपर्चर ऑफ पेल्विस में, इसकी बाउंड्रीज़ को देख लेते हैं। एंटीरियरली हमारे पास आर्कुएट और द इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट होगा, ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस है ना, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, यहाँ पे हमारे पास एक एंगल सा बन रहा होता है, एंगुलेशन बन रही होती है, यहाँ पे हमारे पास एक एंगुलर लिगामेंट होता है, यहाँ पे ऐसे वी करके लिगामेंट होता है। ठीक है, जिसको हम इन्फीरियर आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फीरियर आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं। उसी की बात हो रही है कि एंटीरियरली हमारे पास इन्फीरियर आर्कुएट लिगामेंट है। ठीक है, उसके बाद एंटीरियरली हमारे पास एरकोइड या फिर इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट हो गया, और एंट्रोलैटरली हमारे पास क्या होंगे? इस्कियो प्यूबिक रेमाए एंड इस्कियो ट्यूबरोसिटी, इस्कियो प्यूबिक रेमाए एंड द इस्कियो ट्यूबरोसिटी। एंट्रोलैटरल पार्ट बोनी है, और पोस्टोलैटरल पार्ट जो है लिगामेंट से बना हुआ है। पोस्टोलैटरल पार्ट किससे बना हुआ है? लिगामेंट से बना हुआ है, जो कि होगा सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, और पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स होगी। ठीक है, तो एंटीरियरली हमारे पास आर्कुएट या फिर इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट था। ठीक है, एंट्रोलैटरली हमारे पास ये वाली जो है क्या आ गई? इस्कियल ट्यूबरोसिटीज आ गई, और इस्कियो प्यूबिक रेमाए, ये इस्कियो प्यूबिक रेमाए और ये इस्कियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो इस्कियल ट्यूबरोसिटी है, इसी पे अटैच हुआ होगा सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, जो कि
इस ट्यूबरोसिटी को सैक्रम से कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और ये हमारी पोस्टरलैटरल बाउंड्री में आ जाएगा. और पोस्टीरियरली तो हमें पता है कि टिप ऑफ कॉक्सिक्स है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दर मोर. डोंट फॉरगेट अवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर्स. और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन.